आ गए आप। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई में अगर आपका सेविंग अकाउंट है, अगर आप चाहते हैं कि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में बहुत आसानी से ट्रांसफर करने के लिए अकाउंट को, तो आप घर बैठे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक अकाउंट को ट्रांसफर करके दिखाने वाला हूँ आपको, कि अगर आपके पास में भी अगर सेविंग अकाउंट है और आप ब्रांच में नहीं जाना चाहते, या फिर अगर आप बाहर जॉब करते थे वहां पे आपका सेविंग अकाउंट था एसबीआई में, और आप अपने गांव आ गए हैं और चाहते हैं कि यहाँ पे अपना ट्रांसफर कर ले, तो आप बहुत ही आसानी से बिना ब्रांच विजिट किए आप अपने अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, ए टू जेड मैं आपको इसको बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सब ऑनलाइन SBI.com पे आपको सिंपल आ जाना है। यहाँ पे जैसे आएंगे आप देखेंगे यहाँ पे पर्सनल बैंकिंग पे सिंपल क्लिक करेंगे, लॉगिन पे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुल गया। कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास में पहले से नेट बैंकिंग की यूजर नेम पासवर्ड है तो आप लॉगिन कर लेंगे, नहीं है तो यहाँ पे न्यू यूजर पे करके आप रजिस्टर्ड कर लेंगे। राइट, अब आप देख सकते हैं कि आईडी पासवर्ड डाल करके मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाता है। आपको सिंपल आना है यहाँ पे ई सर्विसेज पे। आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से इंटरफेस खुल के आता है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है ट्रांसफर ऑफ सेविंग अकाउंट्स। राइट, आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। पर जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाता है। यहाँ पे ब्रांच कोड पूछ रहा है कि किस ब्रांच में आपको इस अकाउंट को ट्रांसफर करना है। अगर आपको ब्रांच कोड पता नहीं है आपके शहर का, तो आप गूगल में जाके डालेंगे, केवल उस ब्रांच का नाम डालेंगे, ऑटोमेटिक वहाँ पे उसका ब्रांच का कोड आपको मिल जाएगा। मैं इसको डाल देता हूँ 0316। अब यहाँ पे गेट ब्रांच नेम पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ये ब्रांच का नाम ले लेगा। मैं इसको तुरकुलिया में ट्रांसफर कर रहा हूँ। राइट, और यहाँ पे आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पे टिक लगा के यहाँ पे सिंपल आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे एक और पेज आपके सामने आ जाता है। फाइनली आपको यहाँ पे भी कन्फर्म करना है। आप सब कुछ एक बार चेक कर लेंगे, पहले किस ब्रांच में था, उस ब्रांच का क्या नाम था, क्या कोड था, यहाँ पे शो कर देगा। अब किस ब्रांच में आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो आपका कोड दिखाई देगा, नाम दिखाई दे देगा ब्रांच का, और आप ऑनलाइन इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। सिंपल आपको कंफर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे कंफर्म पे क्लिक करेंगे आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर एक ओटीपी आएगा। अभी मेरे पास देख सकते हैं कि आ गया है। सिंपल आपको यहाँ पे उस ओटीपी को डाल देना है। ओके, ओटीपी डालने के बाद सिंपल आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। राइट, अब ये देख सकते हैं कि हमने ये आपका अकाउंट सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। आई होप दोस्तों कि ये जानकारी आप सबको अच्छी लगी। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करो। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक से अगेन।